तो कहानी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले, जब एक इंसान ने YouTube पाकिस्तान पे अपना तहलका मचाया हुआ था, जिसके लिए लव्ज लेजेंड की ईजाद हुई थी, जिसको दुनिया शाम इद्रीस के नाम से जानती है, जिसने फेक वीडियोस, फेक सोशल एक्सपेरिमेंट्स, फेक प्रैंक्स करके सबको कंटेंट दिया, सबको हंसाया अपना मजाक बनाकर, लेकिन किसी ने उसकी कदर ना की। फिर एक वक्त आया कि वो ये सब कुछ छोड़कर चला गया और YouTube पाकिस्तान को दोबारा से वीरान कर गया। लेकिन फिर कुछ साल बाद उस लेजेंड की कमी पूरी करने के लिए कुछ लोग वापस आते हैं, जिसको दुनिया आज सिस्टरोलॉजी के नाम से जानती है। तमाम के लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे? तो भाई साहब, मैंने पिछले दिनों YouTube पे एक प्रैंक देखा जिसने भाई शाम इद्रीस को भी उठा के वो मारा पीछे। इतना फेक प्रैंक मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो इससे पहले तुम कमेंट सेक्शन में जाके मैकडोनल्ड्स वाली बकचोदी करो, हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो लेट्स गो। तो ये वाला वो प्रैंक था, फर्स्ट प्रैंक विद इकरा। तो सब इमोशनल हो गए, वेरी 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 इमोशनल प्रैंक होने वाला गाइस। हेलो एवरीवन, दिस इज मी। हेलो, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। चलो ठीक है, बाद में आ जाते हैं हम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हीरा फैसल। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। तमाम इसीकल मिगल लोग मिगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अवर। आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड की। अबे भाई क्या चल रहा है ये? ओह माय गॉड, मैं रोते में फनी लग रही हूँ। बट ये किसने बोला आपको? आई कांट बिलीव कि वो टाइम आने वाला है जब वो हमारे साथ नहीं रहेगी। आज की वीडियो में मैं आप ही के साथ करने लगी हूँ प्रैंक। प्रैंक वाले दिन वापस आ चुके हैं गाइस, क्योंकि कुछ टाइम के बाद, अभी खैर उसका निकाह फिर रुक सकती है कुछ टाइम के बाद, लेकिन इसने चली जाना है। अच्छा, शादी हो रही है भाई, मैं पता नहीं क्या समझ गया। मैं क्या पता नहीं चले जाना है, किधर चले जाना है भाई? और इसका जो रूम है वो खुशी के साथ मेरा हो जाना है, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि फिर कंटेंट कम हो जाएगा ना। इस टाइम कोई मेरे पास नहीं है, इसलिए पता नहीं कि मुझे हंसी आई जाए। अभी तो 2 सेकंड पहले बोला मुझे टिश्यू दो, टिश्यू दे दो। फिर एक टिश्यू किससे मांगा जा रहा है? घर में कोई जिन्नात विनात रहते हैं क्या? ऐसे नहीं रोना आ रहा। आज की वीडियो में मैंने आप एक साथ, अभी तक वीडियो का इंट्रो ही चले जा रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया मुझे ना। यार अगर रो रो के इतना वॉच टाइम मिल जाता तो फिर ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं वीडियोस। अभी मेरे पास शायद कोई नहीं, इसीलिए मेरे इमोशंस जो है ज्यादा ऊपर के बाहर आ रहे हैं। या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि YouTube वीडियो बन रही है। बल्कि मैं प्रैंक क्या करने वाली, मैं प्रैंक ही करने वाली हूँ कि मैं जो उसका रूम है ना वो हाईजैक करने वाली हूँ, और उसको लगेगा कि उसके रूम पे कब्जा कर लिया मैंने, और मैं उसको बोलूंगी कि तुम निकलो और ये तुम्हारा रूम जो है मैं लेने वाली हूँ। इसमें से मैं इसका सारा सामान अभी बाहर निकालती हूँ और देखती इसका क्या रिएक्शन होता है। इसमें मैं अकेले ये नहीं कर सकती हूँ, इसमें मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, राबिया या जैनब की। गाइस ये मैं अकेले नहीं कर सकती, इसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी उस बंदे की जिसके साथ मैं प्रैंक कर रही हूँ। वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है और छुप के रिकॉर्ड करनी है। पॉइंट टू बी नोटेड, वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है और छुप के रिकॉर्ड करनी है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसके रूम में ना मेरी कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो कि मैंने पेंट की हैं, और ये ना सबको बताती है कि ये पेंटिंग्स इसने बनाई है। एक सेकंड गाइज, मैं ये चीज लिख लूं, हो सकता है मेरे एग्जाम में आ जाए ये चीज। एक सेकंड गाइज, ये पेंटिंग हीरा जी ने बनाई है, लेकिन उनकी बड़ी बहन सबको बताती हैं कि ये उसने बनाई है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 4-5 मार्क्स का तो ये सवाल आना चाहिए एग्जाम में। कुछ मैंने आप ही के लिए सरप्राइज भी प्लान किया, लेकिन वो मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। जो किसी और वीडियो का है वो किसी और वीडियो में बताएं। ब्राय मेहरबानी जो इस वीडियो का है ना वो हमें काइंडली बता दें ताकि हम ये वीडियो देख सकें। प्रैंक को कंटिन्यू करते हैं, तब तक मैं अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेती हूँ ताकि मैं प्रैंक के दौरान रो नहीं। हालांकि मैं एक अच्छी एक्टर हूँ। माही, क्या तुम एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो? ये अच्छी एक्टिंग थी? अगर तो ये रोना धोना एक्टिंग थी ना भाई, फिर तो माइंड ब्लोइंग एक्टिंग भाई, फिर तो नेक्स्ट लेवल। तो मैं राबिया को ले आई हूँ ऊपर। राबिया तुमने मेरे साथ ना प्रैंक में हेल्प करनी है, मेरे में ना हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि राबिया है बिग प्रैंकस्टर। मैं भी बिग प्रैंकस्टर। पूरी फैमिली में प्रैंकस्टर्स भरे पड़े हैं। नाइस चलो बेटा, मैं थोड़े रियल वाले प्रैंक करती हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, मैं थोड़े रियल वाले प्रैंक्स करती हूँ। हालांकि टाइटल में लिखा हुआ है फर्स्ट प्रैंक, नोट करने वाली बात सिर्फ पहले 2 लव्ज हैं, रियल प्रैंक करती हूँ। मुझे ना हिम्मत नहीं, मुझे लग रहा मेरे प्रैंक फ्लॉप होते।
हिम्मत चाहिए इस प्रैंक के लिए, मुझे पता नहीं क्यों बहुत हिम्मत चाहिए गाइस सामान कमरे से उठा के बाहर रखने के लिए। इतनी ज्यादा चीजें, मुझे ना हंसी आ रही है। आपकी की एक आदत है, आपकी ना कुछ भी चीज़ होगी, जैसे एक ये फाउंडेशन है ना, ये भी फाउंडेशन है, इतने ज़्यादा कंसीलर, सारा गंद मंद जोड़ के रखती है, हर चीज़ गंद जोड़ के रखती है। Another important information guys, सब मेरे साथ साथ तुम भी लिखो, इनकी जो आपी हैं वो सारी छोटी छोटी चीजें जोड़ कर रखती हैं। मुझे शुरू में वीडियो बहुत क्रिंज लग रही थी कि यार या तो रो लो या प्रैंक कर लो, लेकिन जब से ये मोहतरमा आई है ना, मुझे पहले वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर कैमरा अंदर ले जाएंगे ताकि उसे पता ना चले मैं कैमरा ऑन। Another point to be noted, कैमरा फिर अंदर ले जाएंगे और वहां रख देंगे ताकि उसे पता ना चले। हाँ, कैमरा तो छुपा कैसा, चलो जाओ, थोड़ा भड़का के ऊपर लेके आओ। चलो ये भी रखो इधर, वो देखो वो भी पकड़ाओ मुझे, तो सारा सामान निकाल दिया। ए! लेकिन कैमरा तो अंदर छुपाना था ना, ये तो कैमरा नजर आ गया आते ही पहले सेकंड में ही। और एक और चीज के कैमरे पे बकायदा फ्लैश भी है, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है साफ, और जाहिर सी बात है कैमरा हिल रहा है, कभी आगे पीछे तो किसी ने पकड़ा हुआ है, तो इतना बड़ा इंसान ही नहीं नजर आ रहा। वेरी नाइस, वेरी रियल प्रैंक, मतलब पहले सेकंड से ही पता चल गया है। थोड़ी सी बंदा एफर्ट्स पुट कर लेता है, इससे ज्यादा एफर्ट्स तो शामद्रीस पुट कर लेता था। वेरी डिसअपॉइंटेड। पापा ने पहले बात की है, पापा कह रहे थे ये रूम तुम्हारा है, ये तो बहुत मरा अभी है नहीं है, तो जायदाद नाम लगवाने वाले पहले अब क्या फायदा अंदर जाके छुपने का। भाई भाई यहाँ पे भी फ्लैश दरवाजे पे पड़ रहा है यार, थोड़ी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए बंदे में। तो मेरा कमरा है, ये तुम्हारी पेंटिंग है ना, मैं ये भी उतारने लगी हूँ। कैमरा मैन बाहर निकल के आ रहा है, अबे छुपा रहा है ना, थोड़ी तो एफर्ट रख ले भाई। 5 महीने क्या तुम निकालो, असली अंदर से लाहौरी निकला, मेरे से चंडे ना खाली निकल। घर शिफ्ट करते हैं, बड़ी बहन का कद छोटी बहन से भी छोटा कैसे है, है। कैमरा मैन तुझे क्या मसला है भाई, कभी ऐसे ऐसे क्या कर रहा है तू, खड़ा नहीं हुआ जाता तेरे से। मम्मा भी काफी अच्छी एक्टिंग कर रही है, नाइस। पापा ने कहा था तो मैं तो उसी बात पर ना, मुझे नहीं पता बेचारे के साथ बदलेगा, कितनी गलत बात है, थप्पड़ पड़ने चाहिए। मैं तो कैमरा मैन अब भाई तू बाहर ही निकला ना, इतनी फेक एक्टिंग क्यों कर रहा है। ठीक है, जिसने जो करना है कर लो, मेरी चीज है वो मेरी है। गलत है, पापा को बुलाया, मुझे नहीं पता, पापा ने कहा था जब ये चली जाएगी ना तो ये रूम तुम्हारा है। चले पापा ही पीछे कैमरा मैन, पापा को बुलाया तो पापा से डर के लत्थे पड़ाऊंगी मैं तो। देखो ये शीशा देखो, इसी बहाने सफाई होगी उसको। अच्छा मतलब के वो इतनी देर से इधर मुंह करके खड़ी है उसको नहीं नजर आया, जो ये है इस हल्का से ऐसे किया इसको कैमरा मैन नजर आ गया। जाहिर सी बात है ना, कैमरा मैन है ना पीछे, मैं भी करा कर लूं, मैं जिसके साथ प्रैंक हो रहे उसको नहीं नजर आ रहा। वाह 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 वाह, छोड़ती हूं। ओए मुझे दिख गया है। क्या कुछ कर रही है, ऐसा क्या नहीं वो देखो एक पूरा इतना बड़ा इंसान कैमरा पकड़ के खड़ा है जिसका फ्लैश भी चल रहा है। प्रैंक हो गया आपके साथ, वेरी रियल प्रैंक। आपको हमारा कैमरा नजर आ रहा है, वो गाड़ी के अंदर वो एक बंदा छुपा के बैठा है, हाथ हिला दे और बोले पी फॉर पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दे। वो गाड़ी के अंदर वो एक बंदा छुपा के बैठा है, वो गाड़ी के अंदर वो एक बंदा छुपा के बैठा है। यार इतने अंधेरे में तुमने रखा है क्या? ओ भाई इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है यार, इतने अंधेरे पे तुमने रखा है कैमरा। ना इतना बुरा फेक प्रैंक मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, ना ही कभी इतनी फेक एक्टिंग मैंने कहीं देखी है। बहुत अंधेरे में रखा हुआ है तुमने। अगर तो कैमरा अंधेरे में रखा हुआ है तो कब से हिली कैसे जा रहा है, आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे कैसे हिल रहा है, और वो कैमरा जिसका फ्लैश चल रहा है। वाह भाई, और मैं ढूंढ रही हूँ कैमरा कहाँ है, इधर मैंने छोटी सी फ्लैशलाइट नजर आ रही है। आधे से ज्यादा प्रैंक तो इसी ने एक्सपोज कर दिया। मुझे बहुत रोना आ रहा है, एंगल सही नहीं आ रहा है, एक सेकंड बहुत रोना आ रहा है मुझे, एक सेकंड दोबारा शॉट, वो ऑन नहीं था, ऑन नहीं था,
दोबारा मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है। मैं नहीं और देख सकता भाई। हो गया भाई, हो गया। इधर आई हूँ और ये जो औरत है ना, ये कमरे में छुप के खड़ी रो रही है। ओ भाई बस यार, बस बस। ओके तो यहाँ से हम बकायदा देख सकते हैं कि व्लॉग रिकॉर्ड किया जा रहा था फोन के अंदर और फोन का फ्लैश लाइट नहीं नजर आया। ठीक है भाई, मान लिया शहजादे, मान लिया, खुश रहे। क्या आपने रोया जा रहा है बाकी? हाँ, मजीद मजीद रोना धोना ठीक। ओके भाई, शुक्र है, शुक्र भाई, खत्म हो गया। मैं और देख भी नहीं सकता भाई। नहीं, अगर तो आपका पहला फेक प्रैंक था तो ठीक है, तब हम मान सकते हैं। आपको इस पे बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप नेक्स्ट प्रैंक से पहले थोड़ा होमवर्क करें। आप शाम अदरीस की वीडियोस खोलें, द लेजेंड शाम अदरीस की, उस पे टिप्स के कैसे फेक प्रैंक को रिकॉर्ड किया जाता है। जब एक लेजेंड मौजूद है तो आप ये क्या हक रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस पे होमवर्क करेंगे नेक्स्ट टाइम पे और नेक्स्ट टाइम हमें एक अच्छा फेक प्रैंक देखने को मिलेगा। तो गाइज, इसी नोट पे हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।